अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से ख्याल रखते होंगे। जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल पे, बिकॉज डिस्कशन हमारी शुरू होने वाली है। और कल आपने देखा पार्ट वन, जहाँ पे इमरान ताहिर के साथ मैं कर रही थी गुफ्तगू, हमारी डिस्कशन हो रही थी बहुत मजे की। और आज उसका पार्ट टू आप देख सकेंगे, बट जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले जाए और पार्ट वन देखे और फिर ये वीडियो देखे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी इमरान को। सो इमरान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, तो हमारी अच्छी खासी गुफ्तगु हो गई थी, हमने आपके करियर के हवाले से बात की, लाहौर से लेके साउथ अफ्रीका तक के सफर की बात की और टीम्स की भी बात की। ये भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि 27 टीम्स जिन को आप रिप्रेजेंट कर। अगर इमरान, मैं आपसे ये पूछूं, उन 27 टीम्स में से अगर मैं बात करूँ योर फेवरेट कैप्टन, तो कौन? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ दो तीन ऐसे लोग हैं जो काफी स्पेशल हैं मेरे क्रिकेटिंग करियर के हवाले से। उसमें एक तो हाशिम आमला के मैं अंडर खेला हूँ, डुप्लेसी हैं और एमएस धोनी। बिल्कुल, मतलब अगर मैं एमएस धोनी की बात करूँ, जितने मैंने क्रिकेटर से बात की जिन्होंने एमएस धोनी के अंडर खेला है, दे से ही इज एन व्हाट्स योर से ऑन दैट? जी, इज एब्सोल्यूट लेजेंड। और ऑन टॉप ऑफ दैट इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो हमें ऐसा, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, एंड आई एम लकी दैट आई बीन प्लेइंग लास्ट 4 सीजन। तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो काफी कुछ सीखने को मिला है और इट्स अ वेरी इजी फॉर अस टू अप्रोच हिम और कुछ भी हम उससे पूछ सकते हैं, एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। एंड सेम थिंग विद कफ एंड हाशिम भाई, लाइक आई मेंशन, वो बड़े इजी है उनसे बात करना, तो दैट्स वेयर आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल विद दीस थ्री कैप्टन्स। अच्छा इमरान, मुझे बताएं, यूजुअली स्पिनर्स ये कहते हैं कि बहुत जरूरी होता है स्पिनर और विकेट कीपर की कोऑर्डिनेशन, तो फिर मैं वापस एमएसडी पे इसी वजह से आऊंगी कि वो जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक खास डिफरेंस लगता है व्हेन यू आर प्लेइंग अराउंड हिम और विद? मेरा ख्याल है थोड़ा इजी रहता है कि प्लेयर लाइक हिम, उनको जो गेम का नॉलेज है वो काफ़ी है, तो समटाइम तो आई डोंट इवन आस्क अबाउट माय फील्ड, तो इट्स दैट इजी। क्योंकि नॉर्मली आप पहले प्लान करके आते हो गेम से कि इस बैट्समैन के लिए आपको ये फील्ड रखना है, इसके लिए रखना है। तो आई थिंक व्हेन आई प्ले फॉर चेन्नई, तो समटाइम एक्चुअली आई फॉरगॉट बिकॉज इट्स समवेयर बैक ऑफ माय हेड के जी आई एम कॉन्फिडेंट इनफ that Dhoni bhai already set a feet for so I just need to go and bowl and try to do as well as I can according to the plan obviously he set for me. So ye mera khayal hai unko thoda sa special kar deta hai, like I said, I think because unke paas knowledge kaafi hai aur been playing with him and plus obviously his experience, he knows where to put the guys for the. So when you talk about Chennai, IPL की अगर मैं बात करती हूँ, विराट कोहली से आमना सामना हुआ, क्यों वर्ल्ड बेस्ट कहा जाता है विराट कोहली को? What's so special about? I think he's hungry and always looking to perform, no matter where he's playing for India, playing for RCB. वो जो consistency है वो बड़ा कम होता है world cricket में लोगों में. Because there is many players and many world class players, lekin he outclass everybody. The reason for that, like I said, hungry mere liye yahi word hai, aur wo bhi jo hai wo chahte hain ki wo different lage than others, because when you talk about world class players they pretty much in same class, lekin he outclass them because what he wants to achieve in life, he wants to be better than others, and you can see his performances all over the world, wherever he went, he scored runs. He trained really well. He stays fit, very strict with his diet and everything. So he's a proper professional. Not only he's been making runs, but also outside the cricket, he's looking after himself, and you can see the results. दुनिया भर में आप लीग खेलते हैं, दुनिया भर में दिखते हैं इमरान ताहिर खेलते हुए। पर जब मैं PSL की बात करती हूँ, where would you rate PSL? क्या
लेवल लगता है PSL में, क्रिकेटिंग लेवल कैसा? देखिए, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं जब पहले आया था खेलने तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू नो आई विल गो एंड बी एन इंटरनेशनल क्रिकेटर. मैं सोच रहा था मैं आऊंगा, आई डू वेल एंड आई गेट लॉट्स ऑफ विकेट्स एंड आई परफॉर्म वेल. द अदर थिंग, बिकॉज पाकिस्तानी लीग थी तो मैं चाह रहा था कि मैं जब चाहूँ तो मैं बैंक करके जाऊँ ताकि मैं बताऊँ कि मैं वापस आ गया, इम्पैक्ट आया है. जी, kind of that impact, I think. लेकिन ये मेरा हर जगह ही होता है, लेकिन आई थिंक कमिंग बैक टू हियर वेयर आई बिलोंग, तो वहाँ पे मुझे ये था कि मैं करके दिखाऊं कि मैं जिस कंट्री में पैदा हुआ हूँ और जिधर मेरा खेलने को मन था. तो अब यहाँ पे इनकी अपनी एक लीग है विच इज द बेस्ट ब्रांड, वन ऑफ द टॉप ब्रांड इन वर्ल्ड क्रिकेट, PSL. एंड आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टीम्स एंड द प्लेयर्स एंड whoever participate here. You know, obviously it's been difficult for Pakistan to bring the cricket back, and I think you also have to appreciate all the players who participate and come and play in Pakistan. And luckily I was in one of them, and come to play in PSL. It was a great experience. I got picked by Multan. Wasim Akram was the coach, and he gave me a lot of confidence even before we started. And then I mean, it's been 3 years. It's one of the top league, very very good standard of cricket. So it's not easy to perform in this league. You have to be top of your game and you need to be fit. So I mean, that's why I think. So if I need to do well, I need to work proper hard and come and make my name. अच्छा, PSL में fast bowlers की बहुत बात होती है जी, fast bowling बहुत पाइक होती है, बहुत जबरदस्त होती है, उसके हवाले से क्या? जी, इसीलिए इसको ये मुनफरिद कर देते हैं ना, ये जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, क्योंकि आप कहीं और जाते हैं तो उधर ये चीज़ नहीं मिलती कि कोई रिवर्स स्विंग कर सकता है. यॉर्कर्स बड़े फेमस हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के, देन दे नो हाउ टू बॉल इन डेथ, और फिर इनके जो फर्स्ट टॉप सिक्स ओवर्स होते हैं, तो देर इज लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग टैलेंट यू सी. तो प्लस विद डैट यू सी लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस गाइज जो जाहरी बात है अपना नॉलेज उनसे शेयर करते हैं, तो विच मेक्स एवरी टीम वेरी स्ट्रॉन्ग. तो PSL इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड लीग, क्योंकि हम जाते हैं डिफरेंट ममालिक में खेलने, तो कंपेयर टू दैट यस डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट लीग यू हैव टू परफॉर्म, बट देन यू नीड टू बी टॉप ऑफ योर गेम. और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी छोटी हैं बॉलर्स के, तो प्लीज़ इस पर थोड़ी तवज्जो करवाएं आप किसी की, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा बॉलर्स के लिए, फ्लैट विकेट्स हैं और इतने इतने बड़े बैट्स हैं और बस हल्का सा टच करो तो छक्का है, एंड देन बॉलर्स गेट ब्लेम वेरी इजी. तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर, बट इट्स जस्ट अ थॉट. नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, अबू धाबी में जितनी भी छोटी करना चाहे बाउंड्री, छोटी करना आसान नहीं होती, बिकॉज अबू धाबी का ग्राउंड जितना ह्यूज है. मगर जब T20 के फॉर्मेट की इमरान बात की जाती तो बॉलर्स कुछ फॉर्मेट किया है वो, और बोलर्स का तो मुझे बहुत हमदर्दी रहती है पर्सनली बोलर्स के साथ. बट जब मैं आपसे ये बात करूं कि फुल हाउस के सामने जब खेला जाता है PSL, आपने खेला, एक होम कमिंग फीलिंग हुई, मतलब क्राउड आपका नाम पुकार रहा था, सब जो है इमरान या एक शोर मच रहा था आपके नाम का, कुछ घर घर सा फील हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ. देखें, मैं वहां पे पला पड़ा हूं और सारी क्रिकेट में उधर खेला, तो मैं चाहता था कि मैं फ्रंट ऑफ द क्राउड आई प्ले वन डे, और कजाफी स्टेडियम माई वन ऑफ माई फेवरेट स्टेडियम के लोग मेरा नाम लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं ऐसा हमेशा सोचता. और फिर मुझे खुशी हुई कि जिन गलियों से मैं निकल के भरा हुआ हूँ वहाँ पे मेरे पोस्टर्स लगे, एंड देन आई वॉज वेल आई थिंक आई वॉज नॉट विद माई फैमिली दैट टाइम, दे वर इन द कार एंड माई सिस्टर्स वर, दे वर क्राइंग, सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग. In our family, you know, they were proud, and obviously we were missing our parents. So it's a big success, not only for me, it's for my family as well, because I'm not only representing myself, but I'm also representing my family, and a proud moment. But it was very emotional for us as well, especially when I came to play with World 11 and then PSL back home, because my family never saw me playing international cricket, which is a very sad thing. I played over 10 years international cricket. So that was the first time, you know, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था हमारी फैमिली के लिए.
और मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, तो दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड. तो डेफिनेटली मेरे लिए बड़ा होम सा फीलिंग था और आई वाज आल्सो इमोशनल बट ऑब्वियसली आई डिडंट शो एनी. लेकिन फ्रॉम इनसाइड दैट्स व्हाई लाइक आई सेड टू यू आई वांटेड टू डू वेल. डेफिनेटली मतलब इमोशंस तो होंगे, बट क्या अगर मैं कहूं कि जब पीएसएल पे आप आ रहे थे क्या इमोशंस थे? दो अलग किस्म के इमोशंस हो सकते हैं. एक तो ये कि मुझे वापस खेलने को मिलेगा, मैं पाकिस्तान में आके खेलूंगा, पाकिस्तान की लीग में खेलूंगा, बट दूसरी तरफ ये कि आई नीड टू प्रूव कि यहाँ मुझे नेशनल टीम से खेलने का मौका नहीं मिला था तो मैं अब मैं एज फॉरेन प्लेयर आके खेलूंगा. बिल्कुल ऐसा है. देखिए मैं जब वापस आया था तो मुझे ये नहीं करना था कि मुझे प्रूव करना. अल्हम्दुलिल्लाह आई प्रूव द वर्ल्ड, आई रिप्रेजेंट द बेस्ट इन द वर्ल्ड क्रिकेट, तो मुझे उसमें कुछ और प्रूव नहीं करना था. लेकिन यू हैव अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. अगर आप लीग में आए हैं, समवन पुट मनी ऑन यू, bought you in auction, they want you to perform, and that's our job. I understand that. Sometimes what happens, aap badi koshish karte ho lekin you don't get the result, to usme ye aapke haath mein nahi, lekin at least you can give your 100%. Aur main ispe believe karta hu. To main zahiri baat hai, jab main aaya tha to main chahta tha ki main definitely main apna naam banau, main batau ki main is league mein bhi perform kar sakta hu. Aur अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ गुड रन. और मैं लकी हूँ कि मुल्तान से ही तीनों साल खेला हूँ, तो ये इट मेक्स वेरी इजी कि अंडरस्टैंड करना. आप हर साल आते हो सेम मैनेजमेंट, सेम लोग और प्रीटी मच सेम प्लेयर्स, और फिर मिक्सअप करना वेरी इजी होता है. देन यू नो योर प्लान्स एंड एवरीथिंग. तो हाँ जी, उसके लिए मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ मुल्तान सुल्तान का भी. अच्छा इमरान, T20 World Cup dream, is it still alive? Before, like one more event before you hang your boot? Well, I am thinking for all three World Cups coming, to be honest with you. Arre wah, I am so proud of on this. Yeah, stage, but it's, yeah, it's just the thought from my side. Dekhe, main uske liye training badi hard kar raha hun. Main apne aap ko fit rakhne ki koshish karta hun. And I want to be as honest as I can with my team and with my career. So I don't want anyone pick on me and say that, you know, he's coming slow on the ball, he's gone old and things like that. So there's lots of things to be considered. But ye meri khwahish hai ki main jitna, as long as I'll play, I want to play with honor. Aur kuch aisa dignity, probably the right word, imandari se jo hai, main isko nibhana chahta hun. But I also want to enjoy myself. And I feel that I'm enjoying my cricket. And what people want to see from professional. So agar main aisa karta rahunga to I want to play as long as I can. Why not? Bilkul. So World T20, zyada chances ab ye lag rahe hain ki UAE mein hi kheli jayegi World T20 because India ke jo COVID halaat hain. So aapko lagta hai bahut proper aapke liye chance hoga agar aap sabat se khel kar. Ji dekhe. अभी दो स्टेटमेंट दिया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, लेकिन देर इज नॉट बीन अ गुड कम्युनिकेशन, स्पेशली माय साइड पफ है और एबी को और क्रिस मॉरिस को उन्होंने कहा था कि वो कंसीडर करेंगे. तो एट अ मोमेंट इट्स 50-50, बट फ्रॉम आवर साइड व्हाट आई हैव टू डू इज वेयर एवर आई गो आई नीड टू, वेयर एवर आई एम प्लेइंग आई जस्ट नीड टू परफॉर्म वेल एंड कीप पुटिंग प्रेशर ऑन देम, एंड दैट्स हाउ आई थिंक एट अ मोमेंट. I never retire from T20 cricket for South Africa, so the dream is still alive. But we'll see. But I just, like I said, I just have to keep doing well and kind of convince that I'm still good enough and I can do a good job for South Africa. Good luck for that. And हमारी सारी दुआएं इमरान आपके साथ हैं. और जाते जाते मैं आप सिर्फ चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें उन प्लेयर्स को जो फर्स्ट क्लास में काफी अच्छे से खेल रहे हैं और जिनको नेशनल टीम के लिए कॉल नहीं होती, बट वो बहुत डिसहार्टेंट हो जाते हैं. हमने देखा भी थी सरकार में, हमारे डोमेस्टिक में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, कोई मैसेज सिर्फ हमारे डोमेस्टिक के लिए नहीं और भी वर्ल्ड वाइड जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं कि वो डिसहार्टेंट ना और लगे रहें जिस तरह आप लगे रहे हैं और कहाँ किस मकाम. जी मेरा ख्याल है ये लफ्जों में कहना थोड़ा सा आसान होगा, प्रॉब्ली नॉट मेनी पीपल लाइक इट, लेकिन क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात को फख्र से भी कह सकता हूँ क्योंकि आई वॉज वन ऑफ दैम. मेरा कोई फ्यूचर नहीं था और आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट नाउ एंड देन एवरी ईयर, आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे कोई फर्स्ट क्लास गेम मिलेगा नहीं मिलेगा.
didn't know my about my future. लेकिन मैंने मेहनत अपनी है वो जारी रखी है, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मेहनत का फल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है. तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है. मैं आई एम ऑल्सो फील रियली प्राउड कि मैं दुकान पे काम करता था लाहौर में. अगर मैं दुकान पे काम करके और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल साउथ अफ्रीका से खेल सकता हूँ, तो एनी थिंग कैन बी पॉसिबल टू अचीव. और आपका गोल लाइफ में ज़रूर एक होता है कि आप सिर्फ वर्क हार्ड करते हो और वर्क हार्ड करके घर चले जाते हो, जिस पे मैं आज भी मुझे अफसोस होता है क्योंकि दैट्स व्हाट वी डू. सो वी डिडंट नो व्हाट वी डूइंग, वी जस्ट वर प्रैक्टिसिंग एंड दैट्स इट, हैव लिटिल बिट लाफ और डिडंट नो व्हाट वी वांट टू डू टुमारो. तो हमें अपना गोल इतना सेट करना चाहिए कि अगर मैं आज जो प्लेयर हूँ, आई डोंट वांट टू सी माय सेल्फ लाइक दिस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आई मस्ट बी अ इंप्रूव प्लेयर एंड दैट्स इट. आई थिंक इंशाल्लाह ताला रेस्ट ऑफ द थिंग्स अल्लाह पाक विल टेक. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इमरान. वी आर सो प्राउड ऑफ यू. आईदर यू play from here or from there, from anywhere, but jo bhi ho dil to Pakistani hai. So thank you, thanks a lot for this time and we are thoroughly proud. Thank you. Thank you very much. Thanks for the kind words and respect and having me in your program. I also want to wish you and your team all the best. Thank you. Bahut bahut. Thank you very much. So this was Allah. So this was Imran Tahir with me and zabardast interview. पार्ट वन आप लोगों ने देखा, पार्ट टू जो है वो अब आपके देख के इख्तिताम हो गया है. बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग इन. सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है. तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़.